रुक करेंगे अब प्रदेश की ओर। कुल्लू जिला के निरमंड में जनमंच कार्यक्रम के तहत 12 पंचायतों के लोगों की समस्याओं को सुना गया और उनका निवारण किया गया। जनमंच के दौरान विभिन्न विभागों की प्रदर्शनियां भी लगाई गई। जनमंच के दौरान प्रदर्शनियों के माध्यम से लोगों को प्रदेश और केंद्र सरकार की योजनाओं की जानकारी भी मुहैया करवाई गई। जनमंच के दौरान कृषि आईटी एवं जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडे ने कहा कि जयराम सरकार द्वारा लोगों की समस्याओं और शिकायतों का घर द्वार पर सुनने और हल करने के लिए जनमंच कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके सार्थक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। कुल्लू जिला के निर्मंड विकास खंड में 12वां जनमंच कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिला के दूर दराज की 12 पंचायतों के लोगों ने हिस्सा लिया। इस जनमंच के कार्यक्रम के दौरान दूर दराज की पंचायतों के लोगों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए 200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर जिला मुख्यालय कुल्लू जाने से बचे हैं। प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जनमंच में इन लोगों की अधिकांश समस्याओं की सुनवाई कृषि जनजातीय विकास एवं आईटी मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडे ने की। इनका संतोषजनक समाधान निकालने का भी प्रयास किया गया। उन्होंने लोगों से कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार गंभीर है और इसके लिए बजट में बढ़ोतरी भी की गई है। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग ने रसायनों का खेतों में प्रयोग कम करने का प्रयास किया जा रहा है। बीते वर्ष रसायनों के क्रय में कटौती कर 7 करोड़ रुपए बचाए गए। मारकंडे ने बताया कि प्रदेश सरकार ने गाँव में गौशालाओं के निर्माण के लिए मंदिरों की आय का 15% व शराब की प्रति बोतल से 1 रुपये की राशि व्यय की जा रही है। जनमंच कार्यक्रम के दौरान निर्मंड विकास खंड की 12 पंचायतों के लोगों की लगभग 115 जनसमस्याओं की सुनवाई की गई। इसके अलावा लोगों ने मौके पर ही 30 जन समस्याएं कृषि मंत्री के समक्ष रखी, जिनमें से अधिकांश का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। विषय उठाया और जनमंच बोला अच्छा रहा और मुझे बहुत बड़ी खुशी हुई कि यहाँ के विधायक महोदय ने, यहाँ के हमारे अमर ठाकुर विधायक जो युवा हमारे अध्यक्ष हैं मंडल के, उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। और यहाँ पर अधिकतर जो डिमांड लोगों का तो ग्रीवेंसीज हुआ, पब्लिक ग्रीवेंसीज था, डिमांड्स कम थे। मेरे पास 127 के द्वारा एप्लीकेशन आई, 127 लोगों के ग्रीवेंसीज थे। और हमने प्रयास, हम हर किसान को कहते हैं एक्जोटिक वेजिटेबल लगाने के लिए कैश क्रॉप लगाने की बात करें ताकि आय दुगना बढ़े। इस बार अगले बार साल का रिपोर्ट आप पढ़ेंगे, एग्रीकल्चर विभाग में इस बार जो है लोगों का आय जो है पिछले साल के मुकाबले में 2016-17 के मुकाबले 18-19 में हमारा जो है 72% जो है कैश क्रॉप बढ़ा है, जिसे हमें लगता है कि 2022 तक निश्चित तौर पर जो है हमारा आय जो है दुगना करने का कार में उसे हमारे एक हमने कदम उठाया है। समारोह के दौरान विधायक किशोरी लाल सागर ने जनमंच को मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच से उपजा एक बहुआयामी कार्यक्रम बताते हुए कहा कि इससे गांव के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, उनकी समस्याओं का समाधान तुरंत मौके पर ही हो रहा है। जनमंच के दौरान उपायुक्त डॉक्टर ऋचा वर्मा, एपीएमसी के अध्यक्ष अमर ठाकुर, जिला परिषद अध्यक्ष रोहिणी चौधरी, विभिन्न पंचायतों के जनप्रतिनिधि, जिला व उपमंडल स्तर के अधिकारी, महिला एवं युवक मंडल के पदाधिकारी शामिल रहे हैं।